कार्तिक स्वामी, उत्तराखंड में भगवान कार्तिकेय का एकमात्र मंदिर जो कि मौजूद है हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में, जो इसे बनाता है उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत और अद्भुत मंदिरों में से एक। ये मंदिर है महादेव के बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय को समर्पित। ये भूमि है भगवान कार्तिकेय के बलिदान की, माँ बाप के प्रति उनके सम्मान की। उनकी अस्थियां आज भी इस मंदिर में मौजूद हैं। तो चलिए मेरे साथ उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत और भगवान मुर्गन के धाम, जहां महादेव का स्थान है तो सेवा भाव का ज्ञान भी, हिमालय का दिव्य रूप है तो स्वामी का बलिदान भी, भक्ति समर्पण और वैभव के धाम कार्तिक स्वामी। तो हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है मेरे चैनल पर चल रही है रुद्रप्रयाग सीरीज और अभी तक रुद्रप्रयाग के आपने तमाम ब्लॉग देख लिए। इस वक्त आप मेरी वेशभूषा देख सकते हैं। इस वक्त मैं आ रहा हूं तुंगनाथ से डायरेक्ट गाड़ी चलाते हुए। बीच में मुझे ख्याल आया कि अगर मैं यहां पे आया हूं रुद्रप्रयाग तो आपको क्यों ना एक ऐसे हिडन मंदिर में दिखाऊं जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, पर मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही मान्यता है उस मंदिर की। वो मंदिर है समर्पित भगवान शंकर के बड़े सुपुत्र भगवान कार्तिकेय को, और कार्तिक स्वामी उस मंदिर का नाम है। बहुत अच्छी लोकेशन पे वो मंदिर है, वहाँ से चारों तरफ हाई हिमालय का व्यू मिलता है, चौखंबा का भी व्यू मिलता है, तो बहुत अच्छा है। मैं फर्स्ट टाइम जाऊँगा तो जो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस होता है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, बहुत मजा आएगा। सारे पार्ट आप जरूर देखिएगा, रुद्रप्रयाग के आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं। और इस वक्त खड़े हैं हम हाईवे पर, ये है बद्रीनाथ हाईवे। 66 गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं, तभी अपने को चलना है इस तरफ को, यही है रुद्रप्रयाग सामने। प्रयाग यहाँ से ही जाएगा उसका रास्ता, रुद्रप्रयाग से ही, रुद्रप्रयाग जिले में ही पड़ता है डिस्ट्रिक्ट, और यहीं से हम जाएंगे। उस गांव का नाम है कनक चोरी। यहाँ से लेंगे हम अपने लेफ्ट हैंड पे टर्न। आप रास्ते को देख लीजिए किस तरीके से आपको जाना है, और ये देख रहे हो आप आगे, यही आगे केदारनाथ को भी जा रहा है रास्ता, जो पुल पार करेंगे। पर हम बताता हूँ मैं आपको हमें कहाँ से मुड़ना है। आप रास्ते को ध्यान से देखिए, ये अलकनंदा का ब्रिज है जो रुद्रप्रयाग का। अब देखिए सामने लिखा हुआ है इसमें कार्तिक स्वामी 39 किलोमीटर तुंगेश्वर चौपताइक है, तो 39 किलोमीटर है। कनक चोरी उस गांव का नाम है जहां से कार्तिक मंदिर की ट्रैकिंग शुरू होती है। ये है नीचे अलकनंदा, अलकनंदा का ब्रिज। अब आप देखिए दो रास्ते जा रहे हैं, एक राइट एक लेफ्ट, लेफ्ट है। हमें राइट हैंड में मुड़ना है, ध्यान से देखिए। ये ऊपर वाला चला गया है केदारनाथ को, हमें जाना है इस वाले रास्ते पे। सामने देखिए आप ये वाला रास्ता, अगर आपको याद ना हो तो कोटेश्वर महादेव की जो वीडियो बनाई थी मैंने उसमें भी ये रास्ता ही यूज़ किया था, यही रास्ता है वो। आपको नीचे वाला रास्ता ये गया कोटेश्वर महादेव को, और हमें जाना है ऊपर। याद रखिए कोटेश्वर में नीचे, और ये कनक चोरी यानी कार्तिक स्वामी मंदिर के लिए ऊपर वाला रास्ता। चलिए जाइए, कितना खूबसूरत सा रास्ता मिलता है, देखिए क्या प्यारी सी है और साफ सुथरा सा एकदम गांव। और ये रास्ते के व्यू है, ये सब कनक चोरी के बीच में आपको मिलेंगे। कितना खूबसूरत है ना व्यू, शाम का वक्त है, सूरज की आ रही है, ये किरणें आ रही हैं इसके बीच में से, देखिए। एक दरवाजा बना हुआ कार्तिक स्वामी सर्किट के नाम से, यहीं पे 23 किलोमीटर दिख रहा है आपको यहाँ से। सुकून कितना है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है लोकेशन ही बहुत बढ़िया लगी मुझे। जय हो। कितना औसम मौसम हो रखा है, रास्ते में शाम का वक्त है और बादल बरस के निकल रहे हैं यहाँ से, आगे से गीली गीली सड़कें बादलों से ऊपर आ चुके हैं, सच में गजब। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है डे टू, और आपने कल देखा था किस तरीके से मैं रुद्रप्रयाग से कनक चोरी आया था। रात में हो गई थी, शाम के टाइम मतलब बारिश हो गई थी, तो फिर मैंने गोप्रो निकाल के रख लिया था, और ठंड भी बहुत लग रही थी। पर जो लोकेशन है ना वो देखिए, ये मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये जगह। यहाँ मैं रुका हुआ था कमरे में, ये अपना कमरा है, और देखिए ये बाहर से व्यू देखिए, गांव कितना खूबसूरत गांव है। कनक चोरी इस गांव का नाम है,
और यही आगे जाता है, फाटाफट आप जा सकते हो। यहाँ पे बर्फ भी पड़ती है। मैं आ रखा हूँ यहाँ पे कार्तिक स्वामी के दर्शन करने, तो मैं शाम को ही यहाँ पे आ गया था। कार्तिक स्वामी की जो ये ट्रैकिंग शुरू होती है वो कनकचोरी गाँव से होती है, कनकचोरी गाँव है, और वहाँ पर मैंने अपनी बाइक खड़ी करी थी। और वो है उसका मेन गेट, दिख रहा है वो सामने, वो है इसका गेट। तो मैं यहाँ ट्रैक पे ही मैंने कमरा ले लिया था यहीं पे, और यहीं से ये देखिए ट्रैक है, ये यहीं से होते हुए 3 किलोमीटर का ट्रैक करके हमें जाना है ऊपर। गांव भी ठंडा है, यहाँ बर्फ़ बर्फ़ पड़ती है, तो अभी भी देखिए जैकेट पहन रखी है मैंने, ठंडक रहती है अच्छी खासी। तो अभी यहाँ से हम करते हैं ट्रैक की शुरुआत, तो बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी लोकेशन, मुझे गाँव ही बहुत अच्छा लगा ये। अब जो भी नज़ारे होंगे वो मैं आपको सब दिखाता हूँ, तो वीडियो का एंड तक देखते रहे। और अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक। तो वहाँ वो गेट दिख रहा है, वहाँ से आप आ सकते हैं। ये शॉर्टकट है क्योंकि यहीं ले रखा था रूम मैंने। अब यहाँ से है ट्रैकिंग शुरू, पढ़ सकते हैं आप, यहाँ पे बोर्ड वगैरह लिखे हुए हैं। ट्रैक हो गया शुरू, खूबसूरत सा ट्रैक है। जो ये कनकचोरी जगह है, छोटी जगह, ज़्यादा नहीं है, रहने के लिए भी आपको रूम मिल जाएंगे, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है पर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप आए और आपको रूम ना मिले, ऐसा नहीं है। अगर मैं रुद्रप्रयाग के बारे में बताऊँ तो रुद्रप्रयाग में अब इतना रश हो गया है ना फिलहाल, इतनी भीड़ धूल लोग आ रहे हैं केदारनाथ के लिए, बद्रीनाथ के लिए। पर ये जगह है ना, यहाँ पे अभी भी बहुत शांति है, यहाँ पे ज़्यादातर लोकल ही मिलते हैं। तो ऐसे ट्रैक करके जाना है, देखिए आप बीच में से 3 किलोमीटर का ट्रैक है लगभग, और फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो एक्सपीरियंस आप समझ सकते हैं, फर्स्ट टाइम का अलग ही होता है। कल तुगना चढ़ा था, आज कार्तिक स्वामी चढ़ रहे हैं। देखिए ऐसे ही है, उबड़ खाबड़ सा ये ट्रैक, पर है बहुत ही अच्छा, मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस है। जंगल के बीच में से और कोई नहीं है, पर ट्रैकिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए खूबसूरत खूबसूरत ये लगे हुए हैं, बुरांस है ये, बुरांस जो राज्य पेड़ है, ये उत्तराखंड का राज्य पेड़ है, सूख गए हैं फिलहाल, फूल लगे हुए हैं इसमें, बुरांस ही बुरांस लगा हुआ है, प्योर जंगल एकदम। एक ये अच्छी चीज़ है यहाँ पे, ऐसे ऐसे यहाँ पे बेंच बना रखे हैं रुकने के लिए। और ये देखिए पहाड़ी जीवन, पहाड़ का जीवन बहुत मुश्किल होता है। पहाड़ देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं हमें लगता है वाह क्या प्रकृति है, पर जो यहाँ पे रहते हैं ना उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। देख रहे हैं आप, अम्मा कहाँ से लकड़ियाँ ला रही हैं बीन के इस पहाड़ी पर। और देखिए जैकेट उतर गई है क्योंकि यार गर्मी हो रही है अच्छी खासी। चलते चलते वो है सामने पहाड़ी पर, अब दिख रहा होगा आपको, वो है ना, वो है मंदिर। देखिए अभी कितनी है दूर यार, ट्रैक करके जाना है अभी, पर है यार बड़ा मज़ेदार सुकून वाला है रास्ता, टोटल शांति है। सामने से गढ़वाल की पूरी पहाड़ियाँ। नमस्ते, कहाँ से हो बाबा? बस बस ब्लॉग कर रहे हैं। हाँ कहाँ से हो? मैं फरीदाबाद। तो आप ही दोनों आए हो? मेरी वाइफ। अरे वाह हिम्मत है आपकी, है ट्रैक का मजा आ रहा है ट्रैक में? बिल्कुल बिल्कुल मजा आ रहा है। तो फिर यहीं गए हो या और भी कहीं हो? अभी हो क्या है? नहीं अभी तो यहीं आए हैं। ये आएगा नहीं आएगा इसमें? अरे बिल्कुल दीपक वेदी ब्लॉग चैनल में आएगा, आपका भी आएगा, नाम भी बता दीजिए। और आपका मैम? पुष्पा। ठीक है दोनों का आएगा। नाम से आपका ब्लॉग? दीपक वेदी ब्लॉग्स। दीपक वेदी ब्लॉग्स। पूरी गढ़वाल का व्यू कितना खूबसूरत है, ये अनटचेबल है, यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। वो पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी इस ट्रैक पे जरूर आए, मतलब यहाँ पे ना फील हो रहा है कि हाँ वास्तव में हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, वही मतलब जो पहले के टाइम पे होता था, कोई फालतू की नहीं, जैसे कोई आपको परेशान नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं, बस आराम से आप चलते जाओ, बस नेचुरल एक पगडंडी बनी हुई है इस तरह की, वह चलते जाओ। ये पेड़ पौधे पंछी और ठंडी ठंडी हवा, क्योंकि वेदर यहाँ का ठंडा रहता है, यहाँ पर बहुत बर्फ़ पड़ती है सर्दियों में। और यहाँ से पक्का रास्ता शुरू, ये टाइलें लगी हैं, जय हो कार्तिकेय भगवान की। थोड़ी सी पहले यहाँ पे छोटा सा मार्केट देखिए, और यहाँ पे लगा हुआ है जय कार्तिक स्वामी। तो कार्तिक स्वामी मंदिर के बारे में लिखा हुआ है, रुद्रप्रयाग का शहर है, 38 किलोमीटर दूर है और समुद्र तल से 3048 मीटर ऊँचाई पर स्थित है, यानी बर्फ़ बढ़िया पड़ती होगी। अब कुछ सीढ़ियाँ मिलेगी हमें जिससे मंदिर पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप रुक भी सकते हैं, यहाँ पर रुकने की भी ऑप्शन है, दिख रहे हैं मुझे, देखिए रुकने का भी है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे आप आराम से यहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं। अब देखिए गाइस मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, और आपको शर्म आनी चाहिए, सबको ही शर्म आएगी एज ए हिंदू।
ये देखिए, ये क्या है, ये एक सिंदूर का पैकेट है। क्या बनी है इसमें, इसमें बनी है माँ दुर्गा, देखिए। और ये यहाँ पे पड़ा हुआ था यहाँ पे, और ऐसे कितने सारे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये देखिए। अब मुझे आप ये बताइए, इसमें अगर माता रानी नहीं बनी होगी तो क्या सिंदूर बिकेगा नहीं? और मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, बनाने वाला भी कोई हिंदू ही निकलेगा। हिंदुओं की ये इतनी बड़ी मूर्खता है कि वो अपने भगवानों को भी ना अपना बिजनेस बनाते हैं। अब आप ये देखिए, अगर सिंदूर में भगवान ना होके कोई एक्ट्रेस होती तो क्या सिंदूर बिकेगा नहीं? पर उन्हें माता ही बनानी है। और उसके बाद क्या होता है, आप ये देखते हो, सिंदूर में, अगरबत्ती में, धूप बत्ती में, हर जगह आपको इसी तरीके के भगवान मिलेंगे, और इस तरीके से उनका अनादर बेअदबी होती है। अब आप बताइए इसका क्या इलाज है? मैं सच बता रहा हूँ, आपको बुरी लग जाए बात, पर यह है, हिंदुओं ने जिसे अपना देवता मानता है ना, हिंदू उसी का नाश मार के रख देता है। गंगा जी को माँ बोलता है, नाश मार दिया। गौ माता को माँ मानता है, उनका भी नाश करके रख दिया। देखिए अब क्या हाल हो रहा है। और गवर्नमेंट भी इस पर कुछ करती नहीं है कि सीधा बैन करे, उठा के जमानत ना हो। अगर हिंदू होने के बाद भी आपका खून नहीं खोलता है सब देख के, तो फिर आपको सोचना चाहिए। जय हो माँ। कितने सारे यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब आप बताइए, ज्वाला जी के नाम पे, ये देखिए। और ये ऐसे ही पड़े हुए हैं, देखिए पाँव में, ये देखिए सारे भगवान। वो रहा मंदिर, और यहाँ पे है बजरंग बली। और फाइनली पहुँच गए हम मंदिर पे। यहाँ से 80 सीढ़ियाँ पूरी दिख रही है, और देखिए वहाँ वहाँ जाना है हमें। ऐसे 80 सीढ़ियाँ चढ़नी है यहाँ पर, अल्टीमेट जगह है, हिडन प्लेस है। यहाँ जरूर आना अपनी फैमिली के साथ, सच बता रहा, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत ही अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहने वाला है यहाँ पर आकर। और पूरा सामने मंदिर, जय हो कार्तिक स्वामी की, एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है यहाँ पर। अब देखो इतने, इस टाइम शायद सबसे ज़्यादा टॉप पे हम, पूरा यहाँ से गढ़वाल, सारा रुद्रप्रयाग, केदार घाटी सब देखो। और नीचे से हम आए कहीं से, वहाँ से वो जंगल है ना, वहाँ से कहीं से हम आए हैं जंगल के बीच में से, पूरा जंगल पार करते हुए। तो अंदर कर लिए भगवान के दर्शन। तो ये थोड़ा हवन कुंड है, यहाँ पे यज्ञ वगैरह होता है। और जो मंदिर की शैली आप देख सकते हैं, बड़ी प्यारी सी शैली है, लकड़ी है ये। दोस्तों, इस मंदिर को लेके पौराणिक मान्यता ये है कि जब महादेव और पार्वती माँ ने दोनों पुत्रों के बीच ये प्रतियोगिता रखी कि पृथ्वी का चक्कर जो पहले पूरा करके आएगा उसे ही प्रथम पूजनीय का वरदान मिलेगा। प्रतियोगिता शुरू हुई तो कार्तिकेय तो पृथ्वी का चक्कर लगाने निकल पड़े, पर भगवान गणेश ने शिव शक्ति की ही परिक्रमा लगाई और कहा, मेरे माता पिता ही मेरा संसार हैं। जब ये बात कार्तिकेय जी को पता लगी तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने तभी अपनी अस्थियां महादेव को और अपना मांस माँ पार्वती को सौंप दिया और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। आज भी इस मंदिर में भगवान की अस्थियाँ रखी हुई हैं। ये है व्यू पॉइंट यहाँ का, वाह, पूरा रुद्रप्रयाग यहीं से दिख जाएगा आपको, देखिए है ना अमेजिंग। तो
यही था कार्तिक स्वामी का एक ब्लॉग, जिन्हें साउथ में मुर्गन देवता के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तराखंड में एकमात्र कार्तिक स्वामी का ये मंदिर था, कार्तिक के भगवान का मंदिर था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको इसमें पूरी अपनी तरफ से कोशिश करी है कि आपको अच्छे से दर्शन मैं करा सकूँ। मैंने आपको पूरा रास्ता भी दिखाया है। तो बहुत कुछ था इस वीडियो में, तो बहुत मेहनत भी लगी है इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत लोगों को इस मंदिर के बारे में, इस दिव्य मंदिर के बारे में नहीं पता होगा। तो सब तक ये वाली वीडियो पहुँचाएँ ताकि उन्हें भी कार्तिक स्वामी का पता लगे और वो भी कार्तिक स्वामी के दर्शन कर सके। तो कमेंट में हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय कार्तिकेय जरूर लिखें। मिलते हैं नई वीडियो में, नए ब्लॉग में, नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय उत्तराखंड। बस अब चलते हैं वापस हरिद्वार की ओर और देखिए कितना खूबसूरत ये सफर रहा, ये यात्रा रही। नमस्कार।